हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू मटन। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब ऑयल में खड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 इलायची, 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी, 3 से 4 तेज़पत्ते, 1 जावित्री, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्ची ऐड करके तड़का लेंगे। खड़े गरम मसाले तड़क चुके हैं। 3 से 4 प्याज बारीक कटी हुई डालकर लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। हमने यहाँ 1 kg मटन लिया है। मटन को वॉश कर लिया है, मटन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक डालकर मिक्स करते हुए मसाले भूनेंगे। हाफ कप पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। और 4 से 5 विसल लगा लेंगे। 4 से 5 विसल लग चुकी है, मटन अच्छे से भुन चुका है। अब हम 2 से 3 आलू के पीसेस ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। और 2 से 3 विसल लगा लेंगे। 2 से 3 विसिल हो गई है, मटन अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और लजीज आलू मटन गोश्त बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स।